आईपीएल 2023 का मैच नंबर 36 जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच शाम को 7:30 बजे आरसीबी के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। आज की इस वीडियो में इसी मैच के बारे में बात करेंगे, बताएंगे प्लेयर्स के क्या स्टैट्स है, कितना स्कोर यहां पे बन सकता है, किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट व्यू लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको दिया जाता है टॉस के बाद मैच के सारे अपडेट्स। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। केकेआर की बात करें तो जगदीशन के साथ में सुनील नारायण ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, अगर टीम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती है तो, नहीं तो फिर जेसन रॉय भी ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं जगदीशन के साथ में। वहीं उसके बाद यहाँ पे नीतीश राणा, अगर रॉय है ओपनिंग करते हैं तो नारायण नीचे आएंगे, नहीं तो फिर फोर्थ नंबर पे जेसन रॉय खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रिंकू सिंह, रसल, डेविड विजे, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, कुलवंत या फिर शार्दुल ठाकुर, और वहीं श्रेयस, और फिर एज अ इंपैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर को टीम खिलाएगी। वही दोस्तों बात करते हैं आरसीबी की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। फाफ के साथ विराट कोहली ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद महिपाल, मैक्सवेल, अहमद, यहाँ पे विजय और दिनेश कार्तिक, हसरंगा, डेविड विली, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। हेड टू हेड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, दोनों ही टीमें जब आमने सामने होती है उसमें जो भी टीम सेकंड बैट करती है उसके जीतने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। 32 मैचेस खेले गए जिसमें से केकेआर ने 18 मैचेस विन की है और आरसीबी ने 14 मैचेस विन की है, लेकिन 21 मैचेस विन की है सेकंड बैट ने 32 में से, और वहीं 11 मैचेस विन की है फर्स्ट बैट ने। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो लीड ले रखी है केकेआर ने 3-2 से। अब दोस्तों बात करते हैं ओएसजी के बारे में। आईपीएल में पैसिव इनकम करना चाहते हो तो ओएसजी ट्राई करो, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बोनसेस मिलेंगे और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दिए जाते हैं अगर आपकी प्रेडिक्शन सही है तो। जाइए फटाफट ट्राई कर लीजिएगा, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जहां पे मैच खेला जाएगा वहां पे क्या स्टैट्स है। दोस्तों 120 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 55 मैचेस विन की है और बैटिंग सेकंड ने 63 मैचेस विन की है। 2 मैच यहाँ पे टाई रहे हैं, यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 166 है, यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो आरसीबी का है 263 और लोवेस्ट भी यहाँ पे आरसीबी का ही है 82। स्कोरिंग पैटर्न की बात करी जाए तो यहाँ पे बिलो स्कोर 150 36 टाइम, 150 टू 169 31 टाइम, 170 टू 189 24 टाइम और अबव स्कोर 190 29 टाइम, ये यहाँ का स्कोरिंग पैटर्न था। अब दोस्तों बात करते पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम है और ग्राउंड के कंपैरिजन में ये ग्राउंड काफी छोटा है और यहाँ पे जो स्कोर बनते हैं हाई स्कोर मैच देखने को मिल जाते हैं। बाउंड्रीज छोटी है, यहाँ पे अगर 200 का स्कोर बनता है तो कोई वो बड़ा स्कोर भी नहीं है, आराम से चेज हो सकता है। वहीं बात करते हैं यहाँ का जो एवरेज स्कोर है, मैंने जैसे कि आपको बताया 160 है, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे 180 आप मान सकते हैं। यहाँ पे आईपीएल 2023 में टोटल जो विकेट गिरी है फास्ट बॉलर्स के 43 विकेट गिरी है और वहीं स्पिनर्स ने 16 विकेट ली है। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। आरसीबी की बात करें तो ये त्रिमूर्ति है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, विराट कोहली, फाफ और मैक्सवेल तीनों के ही एवरेज ऑनगोइंग और हेड टू हेड में भी काफी अच्छे है। विराट कोहली की बात करें तो इस सीजन 46 का एवरेज है, फाफ का 67 का एवरेज है और मैक्सवेल का 42 का एवरेज है, बाकी के स्टैट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वही बात करते हैं इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट की। हर्षल की बात करें तो 7 मैचेस में 10 विकेट मिले हैं, हसरंगा को 4 में 4 विकेट मिले हैं, विजय को 4 में 4 विकेट मिले हैं और मोहम्मद सिराज को 7 मैचेस में 13 विकेट मिले हैं। मतलब सिराज काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो एक तरीके से 4 प्लेयर तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, कौन, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज, ये 4 प्लेयर आरसीबी की तरफ से टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वही दोस्तों बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर के बारे में। तो जेसन रॉय जब से आए टीम को कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट मिला है, 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में ही इनका जो एवरेज रहा है 52 का इनका एवरेज रहा है। नीतीश राणा की बात करें तो उनका 25 का एवरेज है, रिंकू का एवरेज काफी अच्छा है 58 का है, थोड़ा नीचे खेलने आते हैं लेकिन टीम को एक तरीके से बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, विकेट नहीं गिराते हैं और साथ में एक अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, 157 का इनका स्ट्राइक रेट है। रसल की बात करें तो अभी तक तो टोटली फ्लॉप नजर आए हैं, एक मैच में जरूर बॉलिंग में विकेट निकाले थे लेकिन उसके अलावा ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ भी खास परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी है। वेंकटेश अय्यर की बात करें 36 का इनका एवरेज है। नारायणा की बात करें तो इस सीजन बैटिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं लेकिन बॉलिंग में 7 मैचेस में 6 विकेट निकाल कर दिए हैं।
और वही बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो 9 मैचेस खेले हैं उसमें भी 6 विकेट निकाल कर दिए, यानी विकेट भी इनको खास नहीं मिल रहे हैं। वही बात करते हैं श्रेयस की, तो 5 मैच में 7 विकेट मिले हैं इन्हें, और वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 7 मैचेस में 10 विकेट निकाल कर दिए है। तो ये तो बात हो गई दोनों ही टीमों के उन प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने अभी तक क्या परफॉर्मेंस दी है इस वेन्यू पे और इस सीजन में। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहले बात करते हैं आरसीबी की स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया फाफ, विराट और मैक्सवेल, ये इनकी स्ट्रेंथ है। आरसीबी के कुछ बैट्समैन जो बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं, दिनेश कार्तिक, महिपाल और प्रभुदेसाई, अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी नहीं दी है। वही बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो सिराज और अर्शद बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अदर प्लेयर है जैसे कि हसरंगा हो गया, डेविड विली हो गए, विजय हो गए, इनका फॉर्म अप और डाउन है, कभी विकेट मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, तो कुछ अप एंड डाउन का फॉर्म चल रहा है। वही बात करते हैं केकेआर की स्ट्रेंथ के बारे में, तो जेसन रॉय, नीतीश राणा, रिंकू और वेंकटेश अय्यर, ये इनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग में। वही बात करते हैं रसल, नारायण जगदीशन, उमेश यादव, ये टोटली फ्लॉप नजर आए हैं इस सीजन। केकेआर का जो वीक पॉइंट है उनके फास्ट बॉलर्स है, विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं और रन बहुत ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं। वही बात करते हैं इनका जो स्पिन अटैक है वो थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है, श्रेयस हो गए, नारायण हो गए और वरुण चक्रवर्ती विकेट निकाल कर दे रहे हैं टीम के लिए। अब बात करते हैं ओवरऑल टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। ओवरऑल बात करें तो ऑन पेपर देखा जाए तो केकेआर थोड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, केकेआर का जो स्पिन अटैक है वो ज्यादा अच्छा है और वही आरसीबी का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो ज्यादा अच्छा है, ग्राउंड जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, तो यहाँ पे आरसीबी को यहाँ पे फास्ट बॉलर से मदद मिलेगी और केकेआर का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो वीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जीतने के चांसेस जो हो जाते हैं वो आरसीबी के ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड का सपोर्ट होगा, फास्ट बॉलर्स को मदद है, फास्ट बॉलर्स आरसीबी के अच्छे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को आरसीबी जीत सकता है। आरसीबी के जीतने के चांसेस 52% है और कोलकाता नाइट राइडर के जीतने के चांसेस 48% है। आपको क्या लगता है आज के इस मैच में कौन सी टीम जीत सकती है, कितना स्कोर यहाँ पे बन सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है।